नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पहले से ही लोगों के बीच तरह तरह की अफवाह फैली हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि कोरोना वैक्सीन लेने के साथ ही लोगों की मौत हो जाती है, जबकि कुछ का मानना है कि अगर हमें कोरोना हुआ ही नहीं है तो हम वैक्सीन क्यों लें। इन सब के बीच गया जिले के बोधगया से कुछ ऐसी ही तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। भ्रम इतना ज़्यादा फैला हुआ है लोगों के बीच कि कोरोना का टीका ही लोग लेने से कतरा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर टीका ले लिया गया तो मौत हो जाएगी, और जब कोरोना हमें हुआ ही नहीं है तो वैक्सीनेशन क्यों ले, फिर वैक्सीनेशन लेने का क्या फ़ायदा। लोग कोरोना से ज़्यादा कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर डर रहे हैं। आपको बताएं कि काफ़ी पहले से, जब से कोरोना वैक्सीनेशन देने की शुरुआत की गई, प्रदेश भर में अफवाह निकलकर तरह तरह की सामने आने लगी। नतीजा अब ये हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कोरोना की टीका लेना ही नहीं चाहते हैं। शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी ठीक है, लोग क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वैक्सीनेशन ले रहे हैं, लेकिन गाँव की अगर हम बात कर लें तो गाँव में लोग बिल्कुल भी कोरोना का टीका नहीं लेना चाहते हैं। कुछ लोग अगर लेना भी चाहते हैं, जो जागरूक हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करवाने में प्रॉब्लम हो रही है। कुछ ऐसा ही मामला गया के बोधगया जिले से निकलकर सामने आया है। इन सारी परेशानियों को देख बोधगया के सिद्धार्थ कंपेशन ट्रस्ट के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में समझाया गया कि वैक्सीनेशन लेना कितना ज़रूरी और आवश्यक है। वहीं कई गाँव में संस्था के द्वारा जागरूकता को लेकर चौपाल भी लगाया जा रहा है। ये पूरा मामला बोधगया के पागलडी गांव में पेड़ के नीचे कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर किया गया है, जिसके बाद ग्रामीण वैक्सीन लेने के लिए तैयार हुए और धीरे धीरे लोग बढ़ते भी गए। इसी तरह कुल 50 लोगों का रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन के लिए करवाया गया। गया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की भ्रम फैली हुई है, जिसे दूर करने को लेकर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जागरूकता कैंपेन चलाया जा रहा है। वहीं इस कार्य में बोधगया के संस्था भी आगे आकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। देखिए, आज सिद्धार्थ कैंपेन ट्रस्ट के द्वारा हम लोग गाँव-गाँव जाकर चौपाल लगा रहे हैं और डोर टू डोर भी जा रहे हैं और लोगों को ये अवेयरनेस कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि वैक्सीन लेना कितना इम्पोर्टेंट है। साथ में हम लोग रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन करना नहीं जान रहे हैं, जिनको पता भी नहीं है कि कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो हमारे सारे लोग जितने भी वॉलेंटियर हैं सिद्धार्थ कैंपेन के, सब लोग सारे लोग को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ताकि उन लोग को वैक्सीन आसानी से मिल सके। आज लगभग 50 लोगों को रजिस्ट्रेशन हुआ है और लोग को एक दो दिन में वैक्सीनेशन यहाँ पर दिया जाएगा। और कैसे वैक्सीन दिलवाइएगा वैक्सीन लोगों को? ये देखिए, अभी जिला प्रशासन के पहल से ये बताया गया है कि जहाँ पर लोग गांव-गांव जाकर लोगों को पहल कीजिए और जागरूक कीजिए, और हम स्वास्थ्य विभाग से भी बात कर चुके हैं कि जहाँ पर 50 लोगों का अगर वैक्सीन लेने के लिए तैयार है, वहाँ पर पूरा टीम यहाँ पर आकर वैक्सीन देंगे। कितना मुश्किल है गाँव वालों को समझाना? बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ही समझिए एक चैलेंज की तरह होता है कि अगर देखिए जिस तरह से गाँव में अगर बचाया जा सकता है, अगर हम तीसरी लहर आने से पहले हम लोग गाँव को पूरे गांव में वैक्सीनेशन दे देते हैं कि तीसरी लहर आने से हम लोग सभी लोग बच सकते हैं। और बहुत मुश्किल होता है लोगों को बचाने में, बताने में कि वैक्सीनेशन कितना इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग तो लेना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि मेरा फीवर आ जाएगा, बुखार आ जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे वैक्सीन लेने से, तो उनको बताना भी पड़ता है कि नहीं, वैक्सीन लेने से कुछ ऐसा नहीं होता है, हम लोग वैक्सीन लेने से कोरोना से बच सकते हैं। ग्रामीण में यही अफवाह है कि बीमारी कि अगर वैक्सीन लेने से हो सकता है कि मुझे कुछ भी हो सकता है, फीवर हो सकता है, हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, इसलिए जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, खास करके गांव में बहुत ज़रूरत है जागरूक करने के लिए। और हमारे पूरा टीम हर एक गांव में, नामा हो, चाहे दानसीर हो, चाहे छोटकी बबनी हो, चाहे पाकाडीह, हर जगह पर जाके हम अवेयरनेस कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैक्सीन लीजिए और गाँव को बचाइए। देखिए, कुछ लोग तो इससे दूर भाग रहे हैं और कुछ लोग बहुत अच्छा सहयोग भी कर रहे हैं कि नहीं, ये बता बहुत अच्छा बता रहे हैं, ताकि वैक्सीन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए गांव के भी बहुत अच्छा सहयोग भी मिल रहा है और इससे मेरा टीम भी बहुत अच्छा से काम भी कर रहे हैं, सबका लिस्ट बना रहे हैं, सबका समझिए अपने मोबाइल से ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बिल्कुल ज़रूर ज़रूर होगा और हमें पूरा प्रयास है, चाहे वो बिहार सरकार हो, जिला प्रशासन हो और हमारे संस्था जो है सिद्धार्थ कैंपेन, पूरा प्रयास कर रही है कि गांव-गांव जाकर इस चीज़ को सफल बनाने के लिए और सारे लोग को वैक्सीनेशन दिलाने के लिए। मोचारिन पंचायत में ग्राम छोटकी बबनी नहीं, वैक्सीन नहीं दिया था, इसलिए कोई जानकारी नहीं था, यहाँ देहात है, बोधे जाता है, भीड़ लगता है, इसलिए लॉकडाउन में कोई नहीं गया था। तो अभी सिद्धार्थ
बोधिया के संस्था के द्वारा आया गया है, तो अभी तो जांच कर रहे हैं पूरे ग्राम में। अब गांव में जांच करके कहां तक के प्रोसेस में अभी लगा हुआ है। संस्था के लोग सर्वे कर रहे हैं, कौन लिए हैं इंजेक्शन, नहीं कौन लिए हैं उसको सर्वे करके समझा रहे हैं। कोई लेने के लिए इच्छुक हैं, कोई नहीं लेने के लिए इच्छुक हैं उसको समझा रहे हैं सिद्धार्थ कम्प्लेक्स वाले कि लेने से फ़ायदा है, नहीं लीजिएगा तो परेशानी पड़ेगा, यही वाला सिखला रहे हैं। इसलिए कि सुविधा नहीं था, यहाँ से दूरी कम 5 किलोमीटर बोधिया पड़ता है, जाने आने का कोई सुविधा नहीं था, लॉकडाउन सब बंद था और भीड़ के वजह से लोग नहीं जाता है। जैसा कुछ डर भी हुआ ग्रामीणों में? हाँ, ग्रामीण में डर तो है, भय तो है। क्या भय? भाई कोरोना ना हो जाए, बोधगया में नहीं जाना चाहता है। ग्राम छुटकी नहीं लिए का है? हम लोग की जानकारी उतना नहीं था और अभी जानकारी हमको सिद्धार्था कंपटीशन ट्रस्ट विवेक सर आए हैं, जानकारी दिए, हम लोग को जागरूक कर रहे हैं, हम लोग सब लेने के लिए तैयार हैं। कोई हम लोग को पहले से बताया नहीं, उधर जाने के बाद थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है लोग को। अच्छा, पहले क्या डर था? पहले डर था, बहुत तरह के देहात में अफवाह था। क्या? कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद ये हो जाएगा तो आदमी मर जाता है, तो ये होता है तो आदमी डर जाता है देहात के आदमी। आज हम लोग के जागरूक किए, हम लोग के समझाए, देहात के आदमी समझ गए, तो अब ले रहे हैं, लेंगे इनके थ्रू। क्या नाम हुआ? उमेश सिंह। छोटकी बहनी, कोरोना का सुई लेनू है? ना जानकारी कहाँ ना लेनू है? जानकारी ये पाते ना है लेता विरेखता। ये लोग कहाँ समझा रहे थे ना? सुई लेने की। आप सुई ले मुँह? तो ले ना। हाँ।